हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कार जानकार। और आज हम वॉक अराउंड वीडियो शूट कर रहे हैं महिंद्रा थार रॉक्स MX5 ऑटोमेटिक 4x2 का, जो कि डीजल इंजन के साथ है, 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टॉर्क कन्वर्टर के साथ। और कुछ ऐसा लुक आप इसका देख सकते हो। और ये जो गाड़ी है डीजल में है, 128.6 किलोवाट की पावर ये गाड़ी जनरेट करती है और 317 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बात करें अगर इसके टर्बो पेट्रोल इंजन के बारे में, तो 2.0 लीटर का एम स्टेलियन इंजन आपको मिल जाएगा, जो कि सिर्फ RWD वेरिएंट में आपको मिलता है। बात करें पावर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो 330 Nm का टॉर्क एंड 119 किलोवाट की पावर इस गाड़ी जनरेट करती है मैनुअल ट्रांसमिशन में। और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, जो कि टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है, गाड़ी जनरेट करती 380 Nm का टॉर्क एंड 130 किलोवाट की पावर। फ्रंट से गाड़ी का कुछ ऐसा लुक है। यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है, LED टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, नीचे आपको फॉग लैम्प का सेटअप मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर भी आपको इस पार्टिकुलर वेरिएंट में मिल जाता है। LED टर्न इंडिकेटर है, बढ़िया सी ग्रिल आपको मिलती है, जिससे गाड़ी का लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होता है। सामने सिल्वर फिनिश दी गई है बम्पर पे। और जब आप गाड़ी को साइड से देखोगे ना, तो जो लुक है उसके तो क्या ही कहने हैं, थार को बड़ा कर दिया गया है। टायर प्रोफाइल के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जिनका सेक्शन है 255/65। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लैडिंग पे ही इंडिकेटर आपको दिया गया है, ORVM पे आपको इंडिकेटर नहीं दिया गया है। थार रॉक्स की साइड में ही बैजिंग दी गई है। बात करें अगर हम पीछे, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वार्टर पैनल है। नीचे देखेंगे तो ड्रम ब्रेक आपको रियर में मिल जाते हैं, यहाँ पे भी वही आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। और मतलब जो गाड़ी का साइड से लुक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया है। नेबुला ब्लू कलर में ये गाड़ी है। और अगर आपको ये गाड़ी चाहिए, तो आप ए ऑटो मूवर से कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि HL के पास में है, फैज़ाबाद रोड पे, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। पीछे से कुछ बात करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे LED टेल लैम्प का सेटअप, इसमें आपको हेलोजन टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। और पीछे से जो गाड़ी का लुक है ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगने लगा है। यहाँ पे स्पेयर व्हील लगा हुआ है डोर पे ही, जो कि कवर के साथ आता है। थार रॉक्स लिखा हुआ है, स्टील रिम आपको इसमें मिलता है। पीछे आपको कैमरा भी मिल जाएगा इस गाड़ी में, पार्किंग सेंसर भी आपको मिल जाते हैं। और कुछ ऐसा लुक दिखता है इसका पीछे से। यहाँ पे जो मतलब गाड़ी का बैक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और काफ़ी लोगों को पसंद भी आता है। और बात करें अगर हम इस साइड से, तो यहाँ पे देखेंगे आपको फ्यूल लिड मिलता है, और सिंगल फ्यूल लिड मिलने लगा है। अब वो वाला काम इसमें ख़त्म है, जो चाबी से आपको बाहर आकर खोलना पड़ता था, अब ये फ्यूल लिड अंदर से ही ओपन हो जाता है। बात करें अगर हम फ्रंट की, तो यहाँ पे आप देखेंगे DRLs ऑन हो चुके हैं और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। खास बात यह है कि बेस वेरिएंट से ही आपको LED DRL के सेटअप मिल जाते हैं। बात करें अगर हम इसके बूट स्पेस के बारे में, तो 644 लीटर का आपको इसमें बहुत सारा बूट स्पेस मिल जाता है। और कुछ वही पुरानी स्टाइल में इसका डोर ओपन होता है। यहाँ पे देखेंगे तो वाइपर आपको मिल जाता है, ये फ्लैप हमने ओपन कर दिया है, हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं। साइड में यहाँ पर बात करें, तो आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, कुछ सामान आप यहाँ पर रख सकते हो। और यहाँ पे देखेंगे तो मैट लगी हुई है, साइड में ही आपकी टूल किट रखी हुई है, शायद इसकी प्लेसिंग अंदर होती है। और मतलब ना यहाँ पे हुक्स लगे हुए हैं, मतलब जो गाड़ी है ना, वो अपनी वैल्यू जस्टिफाई करती है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि महिंद्रा ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है, जो पिछले थार में कमी थी वो इसमें अब नहीं रही हैं। वो चाहे बॉडी रोल की समस्या हो या कोई भी, वो सब यहाँ पर सॉल्व कर दी गई है। रियर डोर की बात करें, वही स्विफ्ट टाइप के आपको हैंडल अब मिलने लगे हैं। और कुछ ऐसा इसका गेट ओपन होता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रोम डोर हैंडल हैं, बॉटल होल्डर है, साथ ही साथ पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, कुछ ऐसा लगता है। अभी मैं आपको बैठ के ना स्पेस दिखाऊंगा कि इस गाड़ी में कितना स्पेस है, अगर थोड़ी सी सीट आप पीछे रखते हो तो। बाकी चढ़ने के लिए यहाँ पे फुट स्टेप दिए गए हैं, और यहाँ से जब हम चढ़ के बैठेंगे, तो कुछ इतना स्पेस आपको मतलब गाड़ी में बचेगा। ठीक ठाक है, थाई सपोर्ट भी अच्छा है। बाकी यहाँ पे AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं। नीचे देखेंगे ना, तो आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा Type-C वाला, नीचे फ़ोन आप रख सकते हो। क्रोम फिनिश यहाँ पर भी दी गई है। डैशबोर्ड की बात करें, तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड इसका लगता है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। सिंगल पेन सनरूफ यहाँ पर आपको ऑफर करती है महिंद्रा MX5 में। टॉप वेरिएंट में जाओगे तो आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी। यहाँ पे आइसोफिक चाइल्ड माउंट है, 60-40 रेशियो में सीट स्प्लिट हो जाती है। पीछे दो स्पीकर आपको दिए गए हैं। इस गाड़ी में बात करें स्पीकर सेटअप के बारे में, तो 4 स्पीकर हैं, 2 ट्विटर हैं। यहाँ पे LED लैम्प आपको मिल जाते हैं, रूफ लैम्प, मतलब काफ़ी ज़्यादा सही है, बताओ भाई LED में दे रहे हैं। ग्रैब हैंडल भी आपको दोनों साइड मिल जाएंगे। और मैंने आपको बताया ना, गाड़ी अपने प्राइस में पूरी वैल्यू जस्टिफाई करती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, बॉटल रखने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। पहले क्या होता था ना, कि बॉटल उसमें सही से आप रख नहीं पाते थे, सीट की वजह से वो कंजस्टेड मतलब हो जाता था।
दिक्कत काफ़ी ज़्यादा होती थी। इतने वाइडली इसका गेट ओपन होता है, जो घर पे अगर कोई बुज़ुर्ग है तो उसे ज़्यादा चढ़ने में समस्या नहीं होगी, थोड़ी बहुत हो सकती है क्योंकि हाइट इस गाड़ी की ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मैनुअल लॉक है, मतलब आपको साइड में दिया गया है चाबी से आप अनलॉक कर सकते हो, बाकी बटन से तो होती ही है। और यहाँ पे देखेंगे ना तो मतलब गाड़ी सबसे ज़्यादा, मतलब कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और डोर पे ही आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, पहले थार में सेंटर पे मिला करते थे। ORVM के भी कंट्रोल्स दिए गए हैं, बट हालांकि यहाँ पे ये बटन नहीं दिया गया कि ये अपने आप फोल्ड हो सकते हैं या नहीं, ये ऑटो फोल्डेबल नहीं है। क्रोम डोर हैंडल है, बॉटल होल्डर है यहाँ पे दिया गया है, और वही पुराने टाइम का पट्टा दिया गया है जिससे डोर रुका रहता था। मतलब महिंद्रा ने ये चीज़ तो मतलब नहीं इम्प्रूव करी, ना चाबी इम्प्रूव करी ना इसे, बट ठीक है थोड़ा सा पुराना लुक होना भी चाहिए। गाड़ी के अंदर आ गए हम लोग, कुछ ऐसा इसका लुक है। XUV 7W का यहाँ पे आपको स्टेयरिंग व्हील दिया गया है, मतलब पूरे जो फिट एंड फिनिश है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और प्रीमियम लुक के साथ अब आपको ये गाड़ी मिलती है। यहाँ पे देखेंगे तो मतलब ना स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है, बटन से आप स्टार्ट कर सकते हो, चाबी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइक्रो हाइब्रिड का फीचर, पार्किंग सेंसर का है, हिल होल्ड असिस्ट, नीचे आपको स्पीकर की प्लेसिंग दी गई है, और वही पुराना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है जो पहले थार में आया करता था। और टॉप वेरिएंट में जाओगे तो आपको डिजिटल, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। और बात करें ना, अब यहाँ पे जब गाड़ी हम ऑन करते हैं तो कुछ ऐसा लुक है, यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर दिखेगा, एसी के कुछ इतने कंट्रोल्स, मतलब मैनुअल एसी तो आपको इसमें मिलेगा ही मिलेगा, और USB पोर्ट है, मतलब टाइप सी पोर्ट है, आप इसमें वायरलेस चार्जिंग भी लगा सकते हो। बट यहाँ पे जो एक USB पोर्ट दिया गया है ना, ये इंफोटेनमेंट के लिए दिया गया, ना कि चार्जिंग के लिए। ये यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। आपको इस गाड़ी में ना फीचर तो भर भर के मिलेंगे ही मिलेंगे, काम भर के। ड्राइव मोड्स आपको मिल जाते हैं, कुछ ऐसा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे हमने ऑन किया है तो इसमें आपको TPMS का भी फीचर मिलता है, टायर डायरेक्शन आप चेक कर सकते हो, और साथ ही साथ बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, ऑटो वाइपर के हैं, ऑटो हेडलैम्प के हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑन हो रखा है। और 180 तक की यहाँ पर मार्किंग है, RPM में 7 तक की मार्किंग है, डीजल में भी इतने की मार्किंग आती है, और पेट्रोल में भी। यहाँ पे कौन सा डोर ओपन है ये भी आपको दिखता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो यहाँ पे आपको मिलता है ना, ये अब पहले से बड़ा मिलने लगा है, जो कि है 26 सेंटीमीटर का लगभग, मतलब बड़ा तो काफ़ी है और प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं, और ये कहना भी यहाँ पे गलत नहीं होगा कि रैंगलर से मतलब आप कंपेयर करोगे ना तो गाड़ी किसी चीज़ में कम नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने प्राइस पॉइंट को ये जस्टिफाई करती है, बिकॉज आप 25 लाख के अंदर और क्या लोगे। यहाँ पे मैनुअल एसी के कंट्रोल्स दिए गए हैं, कोई बुरी बात नहीं है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे ना तो जो बटन्स हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टॉर्क कन्वर्टर के साथ। बात करें कुछ सेफ्टी फीचर के बारे में, तो इसमें आपको ESC, EBD, CBC जिसे हम कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल कहते हैं, व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल भी मिलता है, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, BLD, और भी काफ़ी ज़्यादा फीचर आपको इसमें मिलते हैं, जैसे कि कर्टन एयरबैग है, साइड एयरबैग है, ड्राइवर एंड को पैसेंजर एयरबैग है, सनरूफ भी आपको यहाँ पर सिंगल पेन वाली मिलती है, फ्रेमलेस आपको रियर व्यू मिरर मिल जाता है ऑटो डिमिंग के साथ, और हैंड ब्रेक कुछ ऐसा, यहाँ पे आप चाबी रख सकते हो, बट मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे चाबी रखना सही है, बाकी आगे स्पेस दिया गया, यहाँ पे आप चाबी रख सकते हो। वायरलेस से आपका यहाँ पर फ़ोन भी चार्ज हो सकता है, और मतलब गाड़ी में काम भर के तो फीचर है ही, साथ ही साथ स्टीयरिंग भी काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा लगता है। AC वेंट्स भी आपको मतलब ग्लॉस फिनिश के साथ मिल जाते हैं। और बात करें कुछ और फीचर के बारे में, तो मतलब क्रूज़ कंट्रोल तो आपको मिलता ही मिलता है, रियर डिफॉगर है, और ऑटो वाइपर तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेदरेट अपोल्स्ट्री का यूज़ किया गया है, यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, Gen 4 बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी बनी हुई है, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक का भी फीचर है, ग्लो बॉक्स यहाँ पर थोड़ा छोटा है, वही पुराने थार वाले, ये यहाँ पे गलत है, लॉक आप इसे कर सकते हो बट काफ़ी ज़्यादा कम स्पेस है, ये यहाँ पे महिंद्रा को इम्प्रूव करना चाहिए था। साइड में देखेंगे तो यहाँ पे प्लेट लगी हुई है थार रॉक्स की, यहाँ पे सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है, और ये गाड़ी जिस कलर में है ना वो है नेबुलर ब्लू कलर। सनवाइज़र की बात करें तो यहाँ पे आपको बस टिकट होल्डर मिलता है, ओको पैसेंजर साइड आपको यहाँ पर मिरर मिल जाएगा, एयरबैग की कुछ वार्निंग लगी हुई है बट यहाँ पर लाइट कोई भी नहीं दी गई है, और मतलब ठीक ही ठाक है। यहाँ पे आपको दो ट्विटर की प्लेसमेंट भी दी गई है रूफ पे, और LED लैंप है, माइक की प्लेसमेंट भी ऊपर ही है, सनग्लास होल्डर भी दिया गया है। और अगर हम बात करें इसके सस्पेंशन के बारे में, फ्रंट में आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलते हैं, डबल विशबोन विथ कॉयल स्प्रिंग विथ FDD, रियर की बात करें रिजिड एक्सल कॉयल स्प्रिंग विथ वॉट लिंकेज विथ FDD एंड HRS।
मतलब सस्पेंशन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किए गए हैं, बॉडी रोल आपको महसूस नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा गाड़ी कंफर्टेबल है। और यहाँ पे अगर हम स्टीयरिंग की बात करें, यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल के कंट्रोल्स मिलते हैं राइट पे, और बटन्स दिए गए हैं वॉल्यूम के यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पे ऑटो वाइपर के कंट्रोल्स हैं, ऑटोमेटिक पे भी सेट करते हैं, मैनुअल पे भी आप कर सकते हो। LED हेडलैम्प के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर ऑटो पे सेट कर सकते हो या आप इसे ऑफ भी रख सकते हो। और बात करें इस पार्टिकुलर वेरिएंट के प्राइस के बारे में, तो ये गाड़ी 4x2 में है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। ये गाड़ी आपको एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी 18.49 लाख की, एक्स शोरूम प्राइस है ये। बाकी ऑन रोड तो डिफ़र करता है, आप कहाँ पर रह रहे हो, कहाँ पर नहीं रह रहे हो। और अगर आपको ये गाड़ी लेनी है तो आप इसे ले सकते हो ए ऑटो मोवर से, जो कि फैज़ाबाद रोड पे है, HL के पास में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो। बात करें यहाँ पर सीट बेल्ट की, तो आप हाइट एडजस्ट यहाँ पर कर सकते हो। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, ड्राइव मोड्स जिप एंड जूम, एक्सप्लोर ट्रेन मोड्स, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग विद टिल्ट फंक्शन, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 57 लीटर की, और भी छोटी मोटी डिटेल्स आपको यहाँ पर साइड में दिख जाएंगी। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट में बता दें किस पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय।